वंदना करते हुए आपने गीता का नाम लिया, तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। तो जगतगुरु को प्रणाम करते हुए, और मैं एक बड़ी अच्छी जानकारी आपको दूं आदित्य जी, शुरुआत करने से पहले ही आपने गीता का नाम लिया, ये मैं छोटी सी एक पुस्तिका है, देखिए गीता लाइट्स पे थोड़ा सा इस तरफ करिए। हाँ नित्य पाठ, ठीक ओके है, ये थोड़ी छोटी सी पुस्तिका है, ठीक है, बस 50 पन्ने की है ये। एक हमारे जानने वाली लेखिका है, इन्होंने अभी अभी लिखी है। हाँ इसमें क्या है, आपके 18 अध्याय गीता के हैं, तो उन्होंने हर अध्याय से उसका सार लेने का प्रयास किया है। जैसे किसी अध्याय से 8 ले लिए, 4 ले लिए, किसी से 1 लिया, लेकिन ये है कि उसका जो सार संक्षेप में आ जाना चाहिए उसको। तो उन्होंने मात्र 108 जो है ना इसमें पद बनाए हैं, और ये हिंदी में पद बना है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत से परिचित नहीं है, ना इतना समय है उसके पास, तो वो ये गीता नित्य पाठ, इसका नाम ही है नित्य पाठ, आप इतना पढ़िए आपको पूरी गीता का सार समझ में आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपके मंच से बढ़िया स्थान का क्या होगा जहां, और इसकी लेखिका जो है उनका नाम बड़ा सुंदर है, रिद्धिमा। तो हम जो है चाहते हैं कि आपके दर्शक श्रोता जब समय मिले उनको तो इसको देखें, पढ़ें, तो मूल सार समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई लोग संस्कृत पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो बहुत ज्यादा समय लगता है और वहां तक पहुंच नहीं पाते, बीच में उनको लगता है कि बड़े कठिन चीज है, छोड़ भी देते हैं पढ़कर, इससे उनको पूरी गीता समझ में आ जाएगी। तो सतोलॉजी जो है अमेरिकन संस्कृत सोसाइटी के साथ भी बताया, और हम लोग डेली गीता पढ़ाते हैं अमेरिकन डेली, और 17 साल से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो she can join there and speak over there if she wants. तो it is goes on every day, हमारा गीता होता है, सुबह भागवत पुराण होता है और शाम को। अच्छा, ये 17 साल से अमेरिका में चल रहा है। Many Americans are very curious. तो वहाँ पे हम लोग जो है जैसे क्योंकि गीता स्वयं एक सार है, वेदों का सार है। हाँ हाँ बिल्कुल भी, तो गीता उसका भी सार है, उसका भी सार है। तो इनको मैं वहां बुला सकता हूँ, तो वहां पे आके नहीं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। हाँ और आप सुनिए, वो बड़ी अच्छी, बहुत ही गंभीर प्रकार की वो है, लेखिका है, बड़े अच्छे अच्छे विषय विषय उठाती हैं, लिखती हैं, और ऐसे कलाकार भी हैं। तो अब मैं अपने विषय पर